प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत के राष्ट्रपति। इस संबोधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस ने तो इसे राज्यों के संघ पर हमला तक करार दे दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 9 सितंबर से आयोजित G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के इनविटेशन कार्ड को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि बीजेपी को इंडिया शब्द से तकलीफ है। उनका कहना है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चाओं में है। बीजेपी लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय संविधान की रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने की और उसके आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा भारत अर्थात इंडिया। पहला शब्द भारत है और भारत शब्द का उपयोग देश के पुराने शास्त्रों में भी है, भरत खंडे। तो निश्चित रूप से भारत देश और देश की परंपरा में, देश के संस्कृति में, देश के इतिहास में हमारे देश का नाम भारत है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं है, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। चर्चा ये भी है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना भी बाकी है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ममता लांजेवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और रोज इस मुद्दे पर दोनों पार्टी का कोई ना कोई नेता वार पलटवार कर रहा है। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं वो सबको भी भेजा जाएगा। सुपा बोले तो बोले, चलने भी बोल रहा है जिसमें 72 छेद हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के इन दो बयानों से अंदाजा लग ही गया होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का खेल खूब खेला जाएगा। जब से छत्तीसगढ़ में चुनावी आहट शुरू हुई है तभी से बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात कही थी, तभी से तमाम बीजेपी नेता भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा, भ्रष्टाचार मुक्त करके हम रहेंगे, चाहे कितनों बड़ा से बड़ा वहां कुर्सी में बैठने वाला ही क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों पर पिछले कुछ दिनों तक सफाई देने वाली कांग्रेस भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खेलने लगी है। पार्टी कह रही है कि सारे भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में हैं, किस किस को उल्टा लटकाएंगे।
और राम विचार नेताम 15 साल के रमन शासन काल के कुशासन और भ्रष्टाचार के सहभागी रहे हैं, तो लटकाना और झटकाने का बात करके जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, जिसके चुनाव खत्म होने से पहले थमने के आसार भी नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार का ये भूत किसके भाग्य को बदलता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर यात्रा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी भ्रष्टाचार समेत कई मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। वहीं कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मतदाता का मत बदलने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। अब पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है, प्लान सत्ता परिवर्तन का। भूपेंद्र बघेल की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, विकास विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा 21 जिलों तक पहुंचेगी, जबकि 16 सितंबर से जशपुर से शुरू होने वाली यात्रा 14 जिलों का भ्रमण करेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में ही किया जाएगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। दूसरी यात्रा जो 16 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी, उस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले। तो इस तरह से बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक योजनाएं बनाई जा